मैंने अपना एक कविता लिखा हुआ है और उस कविता को सुनिएगा दोस्तों। कि जो गुनाह है आईन की नज़रों में उसे सरेआम करते हो, जो गुनाह है आईन की नज़रों में उसे सरेआम करते हो। ये पंक्ति और ये लाइन का अर्थ मेरा ये था कि दहेज प्रथा जैसा एक बहुत ही घोर अपराध, जिसको कह सकते हैं अमानवीय अपराध, ऐसे चीज़ों को हमारा कोर्ट भी और हमारा संवैधानिक दर्जा भी इन चीज़ों को इलीगल मानता है और इसके लिए बाकायदे IPC में कानून भी बना हुआ है। और लेकिन इसको आज भी हमारे समाज के बहुत से कम्युनिटी के लोग इसको अपना प्रतिष्ठा और शान मानते हैं और वो आजू बाजू के लोगों को बड़े शान के साथ बताते भी हैं कि हमने इतना पाया और हमारे लड़के ने इतना पाया, ये वो, ये सब चीज़ें पा के वो समझते हैं कि अपनी प्रतिष्ठा को हम चार चांद लगा रहे हैं। तो और लव मैरिज ऐसी चीज़ें जिसको हमारा सुप्रीम कोर्ट तक बताता है कि जो जो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं और एक नई दिशा स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें वो कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं इंटर कास्ट लव मैरिज या लव मैरिज के थ्रू ही। तो उस चीज़ को समाज, उस कम्युनिटी हमारा जो है कि वो ख़राब मानता है। तो मतलब जो चीज़ें संवैधानिक रूप से लीगल है उस चीज़ों को हमारा समाज वो अनैतिक मान रहा है और जो चीज़ को कानून इलीगल बताता है उस चीज़ को वो प्रतिष्ठा पर चार चांद लगाने वाला मानता है। तो ऐसे चीज़ों के लिए मैंने एक कविता लिखा हुआ है और उस कविता को मैं आपको सुना देना चाहता हूँ। कि जो गुनाह है आईन की नज़रों में उसे सरेआम करते हो, जो गुनाह है आईन की नज़रों में उसे सरेआम करते हो, और जो पैगाम है प्रेम का खुदा से उसे बदनाम करते हो। जो गुनाह है आईन की नज़रों में उसे सरेआम करते हो, और जो पैगाम है प्रेम का खुदा से उसे बदनाम करते हो। एक चेहरे पर नकाब लिए दुआई देते हो, एक चेहरे पर नकाब लिए दुहाई देते हो राधा और मोहन का। प्रेम की लेखनी तो रुक्मिणी और कृष्ण भी हैं, उन्हें क्यों इनकार करते हो। प्रेम की लेखनी तो रुक्मिणी और कृष्ण भी हैं, उन्हें क्यों इनकार करते हो।